गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पांचवी तथा छठी कक्षा के हिंदी 2 से नवे पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक खिलौने से खेल रहा है, यह विशेषण क्या हुआ? सुंदर। दूसरा, काली गाय खड़ी है, यह काली विशेषण है। 4 ग्राम सोना दो, यह 4 विशेषण है। चौथा, कक्षा में 100 छात्र उपस्थित थे, तो यहाँ विशेषण क्या हुआ? 100। विशेषण और विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है। जैसे मोटा लड़का में मोटा विशेषण है और लड़का विशेष्य है, तो मोटा क्या है? विशेषण, और लड़का विशेष्य। याद रखो कि विशेषण विशेष्य के साथ दो प्रकार से जुड़े हो सकते हैं। क, विशेषण विशेष्य से पहले, जैसे परिश्रमी विद्यार्थी। ख, विशेषण विशेष्य के बाद, यह विद्यार्थी परिश्रमी है। चलिए प्रविशेषण किसे कहते हैं जानते हैं अब। जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे माता का हृदय अत्यंत कोमल होता है, इस उदाहरण में हृदय का विशेषण कोमल और कोमल का विशेषण अत्यंत है, इसलिए अत्यंत प्रविशेषण है। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सर्वनामिक विशेषण या संकेतिक विशेषण। चलिए अब हम विशेषण के भेदों को एक एक कर पढ़ते हैं। पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण। चलिए देखते हैं हम अब कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के गुण की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, सफ़ेद पगड़ी, होशियार छात्र, लाल किला, शहरी लोग। यहाँ काला, सफ़ेद, होशियार, लाल तथा शहरी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 घोड़े, थोड़े आम, 1 दर्जन केले। यहाँ 10, थोड़े, 1, यह सब संख्यावाचक विशेषण की उदाहरण है। पांचवी कक्षा के बच्चों को यह पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके बुक में केवल विशेषण के भेदों की परिभाषा दी गई है। आप केवल विशेषण की भेदों के परिभाषा को पढ़ने से हो जाएगी। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित
संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को हम जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे चार घोड़े, पांच हाथी। यहाँ चार, पांच यह सब निश्चित संख्यावाचक की उदाहरण है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने घोड़े हैं, चार, और कितने हाथी, पांच। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ी भूख, कुछ लड़के। यहाँ थोड़ी और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की उदाहरण है। यहाँ हमें निश्चित संख्या के बारे में पता नहीं चल रहा है। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल की विशेषता प्रकट करता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें नापतोल का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 5 मीटर टेरिकॉट, दूसरा 10 लीटर दूध। तो यहाँ 5 मीटर और 10 लीटर क्या है, यह सब परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण है। यहाँ मापतोल किया जा रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, यह भी 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतोल को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें निश्चित मतलब सही मापतोल का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो सेब, 10 लीटर मिट्टी का तेल। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। अब हम चौथे भेद को देखते हैं, जिसका नाम है सर्वनामिक विशेषण। जिस संज्ञा की विशेषता सर्वनाम द्वारा की जाए उसे सर्वनामिक या संकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का होशियार है, वो घर किसका है। जिस शब्द से हमें संख्या की विशेषता सर्वनाम के द्वारा पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण या संकेतिक विशेषण। जैसे यह लड़का, वो घर, यह सब सर्वनामिक विशेषण की उदाहरण है। तुलना के आधार पर विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाएं, पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। पहला मूल अवस्था, इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप होता है जो केवल सामान्य विशेषण को प्रकट करता है, जैसे मोहन बुद्धिमान बालक है। तो यहाँ बुद्धिमान मूल अवस्था का उदाहरण है। दूसरा उत्तर अवस्था, जब दो जीवों या वस्तुओं
के गुणों की तुलना की जाए तब विशेषण उत्तर अवस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन सोहन की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ दो जीवों या वस्तुओं के बीच में गुणों की तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। यह भी पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें परिभाषा पढ़नी है। तीसरा, उत्तम अवस्था। जब दो से अधिक जीवों या वस्तुओं की तुलना कर एक को सबसे उत्तम बताया जाए तो विशेषण उत्तम अवस्था में होता है। जैसे मोहन कक्षा के सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ दो से अधिक जीवों या वस्तुओं की तुलना की जा रही है। जैसे इस उदाहरण में मोहन की तुलना पूरी कक्षा के विद्यार्थियों से की गई है। जैसे मोहन कक्षा में सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। इन सभी को आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। और इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।